नमस्कार दोस्त, स्वागत है आज का ऑल इंडिया जॉब नोटिफिकेशन एपिसोड पे। तो चलिए फटाफट बात कर लेते हैं, उसके बाद बाकी की बातें करेंगे। तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिख रहा होगा, मैं आपको बता दूं पहले यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इधर से वैकेंसी निकला है। यहाँ पे देखिए वैकेंसी बहुत ज्यादा है, वैकेंसी मतलब पोस्ट भी बहुत ज्यादा है, वैकेंसी 1, 2, 3 ऐसे कुछ है। तो टोटल काउंट करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, उसी तरह पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन वेरी करते जाएगा। ये हम लोग का सीरियल नंबर, जो की पोस्ट का सीरियल नंबर, नेम ऑफ पोस्ट है ये, रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज, ये एज लिमिट है, ये हम लोग का पे मैट्रिक्स जो पे स्टेज रहता है वो है, और यहाँ पे सैलरीज है पर मंथ के हिसाब से। तो हम लोग देखेंगे जो कि साइंटिफिक ऑफिसर के लिए पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव। तो आपको क्या चेक करना है इसमें, पोस्ट के हिसाब से आपको वैकेंसी कैटेगरी वाइज, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी में वैकेंसी है कि नहीं देखना है। अगर है तो आपको अप्लाई करना है, अगर नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, साइंटिफिक सी आईटी के लिए है, असिस्टेंट के लिए। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट के लिए यहाँ पे देखिए। उसके बाद ट्रांसलेटर के लिए भी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए असिस्टेंट लेबोरेटरी जो है। उसके बाद ट्रेड्समैन, ये आईटी की कैटेगरी में आते हैं, मैं दिखाऊंगा क्वालिफिकेशन क्या क्या है। क्लर्क है ग्रेजुएशन के लिए, ये सब हम लोग का डिप्लोमा के अंडर में आते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, ये ऑफिसर पोस्ट सब है जो कि हायर क्वालिफिकेशन। यहाँ पे कुछ एब्रेविएशन मेंशन किया गया है, जैसे कि आप अंडर रिजर्व से हैं तो उसको यूआर बोलते हैं, एससी जो शेड्यूल कास्ट, आपको इसको चेक करना है, चेक कर सकते हैं अभी। तो एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए उसका जो पहला जो साइंटिफिक ऑफिसर डी के लिए एक पोस्ट है अंडर रिजर्व के लिए, यहाँ पे पीएचडी इन बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ऐसे आपको चेक कर। मैं आपको क्वालिफिकेशन शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। और जितना भी साइंटिस्ट एबीसीडी जो भी है उनके लिए पीएचडी है रिलेवेंट रेट रहेगा। उसके बाद जो हम लोग का है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डी पोस्ट के लिए, उसमें पीजी वाले अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें रिलेटेड ट्रेड है। उसके बाद हम लोग का साइंटिस्ट एबीसी जो भी है उसमें पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही उसमें बीई वाले भी और बीटेक वाले भी। उसके बाद जितने असिस्टेंट पोस्ट हैं उनमें बीएससी और डिप्लोमा क्वालिफिकेशन चाहिए। जो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर है वो ग्रेजुएट, जो हम लोग का जूनियर इंजीनियर उसमें डिप्लोमा क्वालिफाइड अप्लाई कर सकते हैं, उसमें असिस्टेंट जो है हम लोग का पोस्ट एबीसी जो भी उनमें ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जो हिंदी ट्रांसलेटर, जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, उनमें मास्टर डिग्री क्वालिफिकेशन जरूरी है। उसके बाद हम लोग का लैब असिस्टेंट में मैट्रिकुलेशन है, साथ में कुछ और रिलेवेंट ट्रेड मेंशन किया गया है, उसको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद ट्रेड्समैन वो आईटी के लिए है, उसके बाद क्लर्क ग्रेजुएशन के लिए, और जो वर्क असिस्टेंट है वो भी 10th क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट बहुत लंबा है, मैं इसको डिस्कशन नहीं करूंगा, आपको खुद से चेक करना है। ये एडवर्टाइजमेंट आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, मैं उसमें डाल दूंगा, वहां से आपको चेक करना है। और कैसे निकालना है उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बी, उसके बाद यहाँ पे देखिए JHT जो कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। उसके बाद यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट, देखिए यहाँ पे 10th 60% होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ट्रेड्समैन ये हम लोग आईटी के लिए है, NTC जो कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें कि मशीनिस्ट होना चाहिए जो कि मिलर पोस्ट के लिए। इसी तरह अगर इसमें देखेंगे फिटर के लिए तो आपको फिटर ट्रेड होना चाहिए, और अगर यहाँ पे देखेंगे जो कि मैकेनिकल तो यहाँ पे मैकेनिक ट्रेड होना चाहिए। सेम चीज यहाँ पे क्लर्क के लिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% होना चाहिए। असिस्टेंट वर्क ये भी 10th, और यहाँ पे आईटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे वर्क और असिस्टेंट के लिए 10th, सेम चीज आईटी भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड इसमें भी 10th मेंशन किया गया है, इसमें कुछ फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है, जैसे मेल के लिए फीमेल के लिए, ये हम लोग का सिक्योरिटी गार्ड कंडर में आते हैं। और यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए फुल टाइम MBBS होना चाहिए, आई हायर क्वालिफाइड पोस्ट है। यहाँ पे प्रोजेक्ट साइंस ऑफिसर इसमें फुल टाइम डिग्री इंजीनियरिंग जो कि BE और BTEC। यहाँ पे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, हम लोग देखे क्वालिफिकेशन क्या क्या था और किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप इसको चाहे तो खुद से रीड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है पोस्ट फॉर जनरल कैटेगरी अंडर रिजर्व और STC कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑल्सो। तो यहाँ पे जो पोस्ट फॉर जनरल, जनरल के लिए जो है और अंडर रिजर्व के लिए जो है, उनको आप STSC ये वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग कैसे अप्लाई करना है, ये ऑनलाइन मोड है, मैं दिखाऊंगा कैसे क्या अप्लाई करना है। इसका लास्ट डेट यहाँ पे है, नोट कर लीजिए, इससे पहले आपको अप्लाई करना है। और एक बात, यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो ये फीस कुछ भी नहीं देना है आपको, सिंपली आपको ऑनलाइन कर देना है। तो यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट का जो एक मेल आईडी मेंशन किया गया है, कुछ क्वेरीज है तो इसमें आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको निकालना है एडवर्टाइजमेंट को। ये वाला वेबसाइट पे आना है हम लोग को, TIFR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुंबई, यहाँ पे क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आप लिंक करेंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का जो ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पे जाएंगे, और ये हम लोग का डिटेल्स है। देखिए ये वाला ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखिए सेम चीज़ यहाँ से देखते जाएंगे तो यहाँ तक है,
एडवर्टाइजमेंट। तो ऐसे लास्ट में मेंशन किया गया था, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो और एक बार से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कोई कैंडिडेट कहीं किसी भी पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा, ये एडवर्टाइजमेंट है, इसको हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर सिलेक्शन करना है, हम लोग एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से पोस्ट सिलेक्शन करना है, कौन सा पोस्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं। सिंपल में सिंपल है, इसको फॉर्म को फिल कर लेना है। यहाँ पे देखिए एजुकेशन डिटेल्स सिलेक्शन करके टोटल भर देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी प्रोफेशनल डिटेल्स है तो उसको भरिए और लास्ट में प्लस सबमिट करके इतना था एप्लीकेशन फिल करने का प्रोसेस। इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा जो भी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के माध्यम से बताया आपको। अगर अच्छा लगा एक लाइक, अदरवाइज डिसलाइक। इसी तरह की जॉब नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जो कि फ्री में, कोई भी कॉस्ट नहीं देना है आपको। तो मिलते हैं और एक अगले वीडियो में बात करेंगे इसी तरह की जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिए और धन्यवाद।